अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के दो पदाधिकारियों को न्यायाधीश की कार छीनने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। परिषद की राष्ट्रीय मंत्री शालिनी शर्मा ने बताया कि ग्वालियर रेलवे स्टेशन के बाहर चालक से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की कार छीनने के आरोप में एबीवीपी के दो पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि वे लोग पीड़ित व्यक्ति को अस्पताल ले गए थे। ऐसे में इनकी रिहाई के लिए विद्यार्थी परिषद ने सरकार और अदालत से अनुरोध किया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय मंत्री शालिनी शर्मा ने बताया कि ग्वालियर रेलवे स्टेशन के बाहर चालक से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की कार छीनने के आरोप में एबीवीपी के दो लोग गिरफ्तार किए गए हैं। छात्रों ने मानवता के कारण न्यायाधीश की कार को लेकर बीमार व्यक्ति की मदद की, जबकि पुलिस ने डकैती का केस लगाया। इसके संदर्भ में पूरे प्रदेश में एबीवीपी के छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी प्रशासन से मांग है कि दोनों छात्रों को छोड़ा जाए। कल हम लोग पूरे मध्य प्रदेश में एक मौन हमारा प्रदर्शन चल रहा है। जिस प्रकार से राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली से ग्वालियर आ रहे कुछ कार्यकर्ताओं ने कुलपति महोदय की जान बचाने के लिए एक वीसी की कार लेकर के उन्हें अस्पताल लेकर के गए, जब जज की कार के चालक ने हमको चाबी देने से मना कर दिया तो हमारे लिए किसी की जान बचाना जरूरी हो गया था, इसलिए हम उनकी कार लेकर के अस्पताल गए थे। तो वही जब जीआरपी के द्वारा हमारे कार्यकर्ताओं पर डकैत का केस दर्ज कर लिया जाता है तो विद्यार्थी परिषद इसका विरोध करती है, क्योंकि विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता सेवा परमो धर्म के मूल मंत्र को लेकर के काम करता है और सेवा का कार्य वही कर सकता है जिनके मन में एक दृढ़ शक्ति हो और वो संकल्पित हो। और जब किसी की सेवा भाव होती है, किसी की जान बचानी होती है, तो उसको हर संभव की मदद लेकर के ये कार्य करना होता है। लेकिन जिस प्रकार से न्यायालय ने उन पर डकैती का केस दर्ज कराया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। न्यायालय को सहानुभूति दिखाना चाहिए और ये केस वापस लेना चाहिए और मानवता का और नैतिकता का परिचय देना चाहिए। विद्यार्थी परिषद अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी है, अंतिम समय तक उनके न्याय की लड़ाई लड़ेगी। हम सभी जगह मौन प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि न्यायालय हमारी इस मानवता का परिचय देते हुए, इस नैतिकता का परिचय देते हुए, इस संवेदना को देखते हुए हमारे कार्यकर्ताओं से केस वापस ले और एक परिचय दे समाज में कि मदद करने के लिए, सेवा करने के लिए भाव देखा जाता है, ना कि कोई उनका मंशा देखी जाती है। जबकि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं की मंशा सेवा की थी और आगे भी सेवा की रहेगी। अभी एबीवीपी के प्रांतीय मंत्री संदीप वैष्णव के मुताबिक ट्रेन में सवार संगठन के लोगों ने इसकी जानकारी ग्वालियर स्टेशन पर एबीवीपी के अन्य पदाधिकारियों को दी। उन्होंने बताया कि कार्यकर्ताओं ने बीमार व्यक्ति को ग्वालियर स्टेशन पर उतार दिया, लेकिन करीब 25 मिनट तक उनकी मदद के लिए कोई एम्बुलेंस नहीं पहुंची। वैष्णव ने कहा, चूंकि उस व्यक्ति की हालत बिगड़ रही थी, तब एबीवीपी कार्यकर्ता उसे स्टेशन के बाहर खड़ी कार में अस्पताल ले गए, लेकिन उसकी मौत हो गई और पुलिस ने दो विद्यार्थियों पर डकैती का केस लगा दिया। पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में आज एक घंटे के लिए सभी शासकीय महाविद्यालय बंद करने का आह्वान विद्यार्थी परिषद के द्वारा किया था, जिसमें अभी हमको जानकारी मिली है कि लगभग अधिकतम महाविद्यालय से हमको सहयोग प्राध्यापक के माध्यम से, वहाँ के कर्मचारी के माध्यम से, टीचरों के साथ में विद्यार्थियों के माध्यम से सहयोग मिला है और कई जगह बंद का ऐसा आह्वान हमारा स्वीकारा है। सामान्य छात्र और युवा विद्यार्थी परिषद के साथ खड़ा है। साथ ही इसके दूसरे चरण में हम लगभग पूरे प्रदेश में इसी प्रकार के इस न्याय की मांग को उठाते रहेंगे। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता प्रशासन और शासन से ये भी पूछना चाहता है कि जब वहां पर उस समय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता जब ट्रेन से उसको उतारा था, वह अनजान व्यक्ति हमारे लिए था, मदद की भावना से ये काम किया गया था। अगर रेलवे स्टेशन पे 24 घंटे एम्बुलेंस होनी चाहिए, लेकिन वहां पर एम्बुलेंस नहीं थी, तो इसका दोषी कौन है? जहां पर रेलवे विभाग का अधिकारी पुलिस कर्मचारी उपस्थित थे, वो मात्र मुख दर्शक बन के वहां पर खड़े रहे, तो इसका दोषी कौन है? किसी की जान बचाने के लिए गाड़ी का उपयोग करके वापस वो गाड़ी जया रोग अस्पताल, शासकीय अस्पताल से वहीं पर पुलिस कर्मचारी को उसकी चाबी दी जाती है, उसके बावजूद डकैती का केस लगाता है, तो उसका दोषी कौन है? ये विद्यार्थी परिषद भी पूछती है और हम न्याय के लिए लड़ते रहेंगे। और विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता ने जो काम किया है, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम साथ खड़े हैं और इस कार्य की हम प्रशंसा और सराहना करते हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।